बीजेपी पूरी तरह से एजुकेशन के अगेंस्ट में, वो नहीं चाहती है कि किसी भी गरीब गुरबा का बच्चा, कोई भी बहुजन बच्चा विश्वविद्यालय का सफर कर रहा है। युवाओं को निचोड़ के रख दिया है मोदी जी ने अडानी और अंबानी की थाली में। विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि उसका निकलेगा क्या, अविरोध इसलिए भी करते हैं दिखाने के लिए कि आप जिंदा हैं, आप मरे नहीं हैं, क्योंकि मरा हुआ आदमी सो जाता है, बोलता नहीं है। जो आजाद परिंदा है वो उड़ता है, वो बोलता है। ये युवा है, ये जवाब देगा, जवाब कैसे देगा? संघर्षों के समय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हमने मोदी सरकार को और इन पुलिस वालों को पहले भी झुकाया है और आगे भी झुकाने का काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं कि जो युवा है वो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो पकोड़े तलो, ये नहीं रोजगार है, ये नहीं चाहता है। आप उल्टा इस मायूसी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी भी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे, हमारे पीछे जो आपको जो तस्वीर दिख रही है, तमाम लोग SFI और आयशा संगठन से हैं और ये आज यहां पे न्याय की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संसद मार्च करने के, NEP रद्द करो, NEP को लेके है, शिक्षा बचाओ और भाजपा हटाओ भारत बचाओ, इस नारे के साथ ये तमाम लोग यहां पे आए हुए हैं। कहां से आए हैं आप, कहां से आए हैं? हम राजस्थान से। क्या मांग कर रहे हैं राजस्थान से? हमारी मांग है हाल ही में जो केंद्र की सरकार विद्यार्थियों के और छात्रों के विरोध में जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसके अंदर शिक्षा का जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी कॉलेजों को सोसाइटी एक्ट में दिया जा रहा है, पहले से जो सरकारी कॉलेज हैं उनके अंदर जो भर्तियां करवाई जा रही है टीचरों की, उनको प्राइवेटाइजेशन के ऊपर किया जा रहा है। छात्रों की संख्या, आप लोग छात्र को लेके आए हैं अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है अब असर पड़ेगा? असर तो पड़ ही नहीं रहा है, लंबा संघर्ष आप लोग का। छात्र लगातार संघर्षरत है, छात्र जो कुंभकर्ण की नींद में मोदी सोए हुए हैं उनके पास दरख्वास्त लगाने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार के सपने हमको दिखाए थे, क्यों हमारी शिक्षा को बर्बाद करने का काम कर रहे हो, क्यों नई शिक्षा नीति लेकर के आए हो, नई शिक्षा नीति का असर हमारा जो सेकाटी विश्वविद्यालय है उसने जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है, जिस जो फीस थी उसके दोगुना फीस इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों से वसूलने का काम किया जा रहा है, वो विद्यार्थी वहां पर अध्ययनरत करने के लिए आते हैं जो किसान मजदूर गरीब डाणियों से निकल करके गरीब परिवारों से बच्चे जो नरेगा की मेहनत मजदूरी करके और वो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हम मोदी से दरख्वास्त लगाने के लिए आए हैं कि उन विद्यार्थियों का सोचिए, आप अडानी और अंबानी के लिए सस्ते मजदूर तैयार ना करें, उन विद्यार्थियों का भविष्य तैयार करें, उनको अच्छे उच्च शिक्षा ग्रहण करवाए, जिस प्रकार से कॉलेजों का उन्होंने निजीकरण किया है, भगवाकरण किया है, जाति के नाम पर धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है, हम आज संसद मार्च किया है, आने वाले समय में भी हम विद्यार्थियों को एक मैसेज देना चाहते हैं, आने वाले समय में विद्यार्थियों के पास हर एक स्कूल हर एक कॉलेज हर एक कैंपस के हर एक गांव और ढाणी में हम जाएंगे। आज विद्यार्थियों के लिए स्कूलों के अंदर अध्यापकों के पद रिक्त है, व्याख्याताओं के कॉलेज के अंदर रिक्त पद है, न कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जिस प्रकार से शिक्षा के ढांचे को बर्बाद करना चाहते हैं, हम ये मोदी सरकार को चुनौती देते हैं। मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, संसद जा पाएंगे आप? संसद घेराव की तो बात कर दिए, घेर पाएंगे संसद? जरूर घेरेंगे। कैसे घेरेंगे संसद? तो आपको जाने नहीं देंगे, मार्च करेंगे पुलिस के। हमने मोदी सरकार को और इन पुलिस वालों को पहले भी झुकाया है और आगे भी झुकाने का काम करेंगे। हमारी आज की यहाँ मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में जब हम मार्च करेंगे यहाँ से, हमें आह्वान करके मार्च करेंगे तो मोदी सरकार की कोई ताकत नहीं है, हम कह के करेंगे। और इस SFI के जो स्वाधीनता जनवाद समाजवाद जो भगत सिंह को अपना आइकॉन मानने वाले लोग हैं, वो झुकने वाले लोग नहीं है। हम लगातार विद्यार्थियों के, हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं, एक सवाल हम आपसे लेंगे कि मोदी जी एक बात कहते हैं कि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं। युवाओं को निचोड़ के रख दिया है मोदी जी ने अडानी और अंबानी की थाली में। युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था कहाँ है? मोदी जी कहते हैं कि जो युवा है वो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो पकोड़े तलो, ये नहीं तो रोजगार है, ये नहीं चाहता है। उसमें मोदी की कोई जरूरत नहीं है, पकोड़ा तलना होता जब से युवा हुए थे 5-7-8 साल पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, उस टाइम से ही वो कर सकते थे। हर विद्यार्थी का सपना होता है कि हम पढ़े लिखे अपने माँ बाप का अपने परिवार का अपने समाज का अपने गांव का अच्छा विकास करे नाम करे और एक बेहतर हमारा देश राज्य उसका निर्माण करे। बिल्कुल, हमारे देश और राज्य का निर्माण करे। और भी लोग हैं, जरा उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि युवा लगातार हाय हाय मोदी हाय हाय के नाम
नारे भी लगा रहे हैं। युवा हैं जो लगातार नारे लगा रहे हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इसका क्या मतलब है? आप नारे लगा रहे हैं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। कौन बेईमान हो गया? देखिए, जो इतने युवा परेशान है वो कौन बेईमान हो सकता है? और जो बच्चों की शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, महंगी करना चाहते हैं, कौन कौन मेहमान है? सब देख रहे हैं, माँ बहन बेटे कोई सुरक्षित नहीं है। कौन कौन मेहमान है? आपको सब पता है, मीडिया लोग दिखाने नहीं चाहते हैं। हम तो दिखाने के लिए आए महाराज। आप सब सत्ता के सेक्शन में काम करने वाले लोग हैं, आप हमारी अच्छाई नहीं दिखा सकते, उनकी जो आप धर्म का काम दिखा सकते हैं, शिक्षा का नहीं, बेरोजगारी नहीं दिखा सकते आप लोग। हमारी बहन 4.5 महीने से डॉक्टर रितु प्रोफेसर बैठी है, आज तक भी उसको न्याय नहीं मिला। जातिगत शोषण के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही थी, और जिस निकम्मी बैरी सरकार ने उस बहन के ऊपर भी लाठी बरसाकों से उठा दिया वहां से। एक बात बताइए, आप लोग बीजेपी हटाओ देश बचाओ का भी नारा लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आप लोग 2024 में आप लोग उखाड़ फेंकेंगे क्या? बिल्कुल। कैसे उखाड़ेंगे? वोट से उखाड़ेंगे। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, तो उसमें तो देखिए ये युवा है, ये आपने कहा था किस संघर्षों के समय में कनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर चल जाती है और जवानी चलती है। और ये युवा साथी है जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिसे चाहे नीचे गिरा सकते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मेरा नाम सागर गौतम है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष हूँ, सहारनपुर से। अध्यक्ष हैं जी। कैसे देख रहे हैं एनईपी को लेकर आज आपका बड़ा प्रदर्शन है? सुन लीजिए पहले, ये कोई पहला प्रदर्शन तो है नहीं आप लोग का, हर बार करते हैं, मतलब तो कुछ होता नहीं, आते हैं प्रदर्शन करके चले जाते हैं, फिर आप सो जाते हैं। देखिए, हम विरोध तो कर रहे हैं ना, नई शिक्षा नीति जब बच्चों के ऊपर हावी हो रही है, लगातार बच्चों को फेल किया जा रहा है। और देखिए यहाँ कॉलेज कितनी, कॉलेज प्रशासन कितनी मनमानी है, वहाँ कोई भी बच्चों की सुनने को तैयार नहीं है। जिला सहारनपुर के अंदर माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय योगी ने बना के खड़ा कर दिया है, लेकिन जो बच्चों के साथ समस्याएं आ रही है उनको वो झेलने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए, पूरी क्लास फेल है, BA BSc BCom पूरे जिला सहारनपुर। जब आप ये जो सरकार आपका सुन नहीं रहा है, चुनाव भी है, क्या करेंगे आप? देखिए, ये युवा है, ये जवाब देगा। कैसे देगा जवाब? कैसे देगा? संघर्षों के समय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। एनईपी के विरोध में, और इनका कहना है सेफ सेफ इंडिया और बीजेपी हटाने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा कुछ महिलाएं हैं जरा इनसे भी बातचीत करते हैं, कुछ IRJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आज आप लोग यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रही है, एनईपी हटाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये तो लंबा संघर्ष था, एक लंबे समय से चलता है, कुछ असर तो पड़ नहीं रहा है। आज के इस प्रदर्शन में कुछ असर दिखेगा या फिर अन्य प्रदर्शन की तरह इसका भी यही हाल होगा? देखिए, आप विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि उसका निकलेगा क्या, आप विरोध इसलिए भी करते हैं दिखाने के लिए कि आप जिंदा हैं, आप मरे नहीं हैं। क्योंकि मरा हुआ आदमी सो जाता है, बोलता नहीं है, जो आजाद परिंदा है वो उड़ता है, वो बोलता है। रिजेक्ट एनईपी, रिजेक्ट बीजेपी, सेव एजुकेशन, सेव इंडिया। हमें मालूम है कि बीजेपी पूरी तरह से एजुकेशन के अगेंस्ट में, वो नहीं चाहती है कि किसी भी गरीब गुरबा का बच्चा, कोई भी बहुजन बच्चा विश्वविद्यालय का सफर कर पाए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मेरे मन में कोई इस तरह की कोई शंका नहीं है, पर मुझे मालूम है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ यूनिवर्सिटी का, इसका मतलब क्या है कि जो पैसा लिया जाएगा लोन, फिर बोलेंगे छात्रों को चुकाओ, यूनिवर्सिटी में रह पाएंगे बच्चे? 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट छोड़ चुके हैं यूनिवर्सिटी, पीछे ड्रॉप आउट रेट है। 40 OBC छात्रों ने IIT में पिछले साल आत्महत्या की है, आप समझ पा रहे? SC छात्र, 24 छात्रों ने आत्महत्या किया। उनको क्या, उनको लग रहा है कि चलो बस आत्महत्या कर लेते हैं, कोई कुछ मिल नहीं रहा है, उनको किस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, हर तरीके से उनका मानसिक ताड़ना होती है, प्रताड़ना होती है, दोहन होता है। इनके मन में ही है शूद्र नारी तारण के अधिकारी, इनका चल रहा है। तो हम उसी के विरोध में है कि प्राइवेटाइजेशन जब तक खत्म नहीं होगा विरोध करते रहेंगे। अब तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नारियों का विरोध, कह रहे हैं राम राज्य आ गया, अब नारियों का कहां विरोध हो रहा है? आप लोग पुराने जमाने वाले, राम राज्य आ गया, ये तो यही रहे ना। राम राज्य किसके लिए आ गया? क्या 59,000 जो शिक्षक यूपी में बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए राम राज्य आ गया? क्या BHU में जो महिला छात्रा का रेप किया गया, IT सेल बीजेपी के लोगों के द्वारा, उस महिला के लिए राम राज्य आ गया? हाथरस की महिला के लिए राम राज्य आ गया? किसके लिए राम राज्य आया है? सिर्फ बीजेपी वालों के लिए राम राज्य आया, एक जमात के लोगों के लिए राम राज्य आया? ट्रस्टी में 24 लोगों को आप एक जमात के लोगों को ट्रस्टी, आप एक जमात के लोगों को बैठा देते 15 लोगों में, ट्रस्टी जो पुरोहित होते हैं उसमें भी 21 लोग एक जमात के बैठ जा रहे हैं। किसके लिए राम राज्य? सिर्फ एक वर्ग के लिए, और जो अपना पेट भरना चाहते हैं उनके लिए। अरे राम भी कहते हैं सर्व राम, किस राम की परिकल्पना क्या होगी कि हमारा इंसान अर्थात मेरा जितना बच्चा है वो सुख से रहे, समृद्धि से रहे, कहीं भी गैर बराबरी ना हो।